अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी मित्सुबिशी एक्लिप्स क्रॉस के अंदर, 2020 मॉडल। और इस गाड़ी को मुझे लिए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया, तो 1 साल के बाद का रिव्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी को 1 साल में मैंने 17,000 किलोमीटर चलाया है। ये 3,000 किलोमीटर पर मुझे मिली थी गाड़ी, 3,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, ऑलमोस्ट ब्रैंड न्यू। अभी आप देख सकते हैं मीटर पे 21,900 जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सो 1 साल कंप्लीट हुआ इस गाड़ी के साथ। इस गाड़ी के साथ मैं बहुत सारे शहरों में गया हूँ यूएई के, शारजा, अलेन, खोरफकान, अबू धाबी, अजमान, सारे शहरों में मैं गाड़ी को लेके जा चुका हूँ और गाड़ी के साथ काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसका रिव्यू डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इसको एक लॉन्ग ट्रिप पे भी लेके जाने का मेरा इरादा है, टूवर्ड सऊदी अरेबिया। तो ये गाड़ी मैंने जो है वो कार्स 24 से ली है। जिन लोगों को नहीं पता, कार्स 24 एक ऐसी कंपनी है जिनकी एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जहाँ पे कैटलॉग बना है कार्स का। आप अपने मुताबिक कार्स को फिल्टर आउट करके कार बुक करते हो, जिसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है 1,000 दिरहम, बट वो रिफंडेबल है। तो 1,000 दिरहम के बाद जो है वो गाड़ी आपके लिए बुक कर दी जाएगी टेस्ट ड्राइव के लिए, और वो आपके घर गाड़ी लेके आएंगे, आपके पास गाड़ी लेके आएंगे खुद से। आप गाड़ी चेक करें, टेस्ट ड्राइव करें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप जो है वो गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करवा के अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस ले सकते हैं। कार्स 24 टीम के साथ सही रहा मेरा एक्सपीरियंस, बट ये जो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें शामिल नहीं है, जैसे कि ये सस्पेंशन शामिल नहीं है, बैटरी कवर नहीं है, मुझे बैटरी गाड़ी की चेंज करवानी पड़ी है, और ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसिंग में ऑयल चेंज भी ये जो है घर पे आके आपकी गाड़ी ले जाएंगे अपने सर्विस सेंटर में, और वहाँ पे ऑयल चेंज करके फर्दर सर्विसेज जो भी आपके पैकेज में शामिल हैं वो करके आपको गाड़ी वापस घर पे डिलीवर कर देंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। बट सर्विसिंग के हवाले से भी मैं यही गाइड करूँगा लोग कि अपनी जो है वो आप देख लें, कहीं और से करवा सकते हैं कहीं और से करवा लें, बिकॉज़ इनके पास से जब से गाड़ी आई मेरी उसकी व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट आउट हो गई, और जब मैंने फर्दर चेक करवाया तो सस्पेंशन का भी एक काम निकला है। सो सर्विसिंग अगर आप कहीं और से करवा सकते हैं करवा लें, गाड़ी यहाँ से ख़रीदना चाह रहे हैं ख़रीद लें, लेकिन जिन चीज़ों की वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहे वो चीज़ें आप बाहर से चेक करवा लें। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का एक्सटीरियर दिखा दूँ। ये गाड़ी का एक्सटीरियर है वाइट और ब्लैक में, ब्लैक रिम्स के साथ मुझे ये गाड़ी मिली थी। शेप इसकी बहुत अच्छी है, बट लेक्सिस का एक मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगती है, बट एज़ यू कैन सी शेप बहुत प्यारी है गाड़ी की। इट्स अ मिड साइज़ SUV। इसकी लाइट्स ये जलती रहती हैं, डे लाइट्स भी, और यहाँ पे इसके एक सेंसर है, यहाँ से पानी निकलता है, हेडलाइट साफ़ करनी हो वो भी हो जाती है। टायर्स इसके बड़े बिल्कुल ठीक है, अभी 2021 के लगे हुए हैं टायर्स। इसमें जो PSI है वो 35 से 38 तक डलती है। ये इसका जो है वो बैक है, और बैक पे जो है आप देख सकते हैं कि इट्स अ स्प्लिट विंडो। बैक पे अगर आप देखेंगे तो इसकी सिर्फ एक ही रिवर्स लाइट है, और दूसरी जो है वो कम्प्लीटली फॉग लाइट है। ये इनका जो है आई डोंट नो वाई दे हैव कैप्ट इट लाइक दिस। पहले तो मुझे लगा कुछ मसला है गाड़ी में, बट पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग में ही इसी तरह आई है। लेट्स टेक अ लुक एट द इंजन। देखिए जी, नोटिफिकेशन आ गया कि हुड ओपन है। ओके, तो इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा कंसील्ड है, ढका छुपा है, और 1.5 टर्बो इसका इंजन कैपेसिटी है। ये बैटरी मैंने इसकी इधर से नज़र भी नहीं आ रही सही से, बट ये मैंने अभी फिल रिसेंटली चेंज करवाई है, इसी नलको की बैटरी लगवाई है। सो पावरफुल इंजन है, सही है, कार में है जान। जो मैंने इसका टेस्ट किया है
स्पीड का 0 to 100 सिर्फ 10 सेकंड में चली जाती है। ये गाड़ी की डिग्गी की कैपेसिटी है जो कि एक नॉर्मल सेडान कार की जैसी ही दिखने में है, लेकिन ये ओपन हो जाता है और सीट्स भी फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो वो कवर हो सकता है अगर आप सीट फोल्ड करके रख लो, अदरवाइज़ इट्स अ नॉर्मल कैपेसिटी ट्रंक। और ये इसका स्पेयर टायर है एंड ऑल द इक्विपमेंट्स आर देयर। ये अभी तक पुरानी बैटरी पड़ी हुई है मेरे पास। सो ये इसकी पीछे से कैपेसिटी है सिटिंग की, विच इज़ गुड। काफ़ी सारी लेग स्पेस आपको मिल जाती है बैक सीट पे, सीट पॉकेट दोनों साइड पे हैं। यहाँ पे चार्जर के लिए पावर आउटलेट दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो बैक एसी, पीछे के लिए कोई एसी नहीं है। सो इसका ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, पावर विंडोज़ हैं, लॉक अनलॉक यू कैन कंट्रोल दीज एज वेल। और यहाँ पे मिरर में ब्लाइंड स्पॉट भी अवेलेबल है। मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये इसके फर्दर फीचर्स ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी है, क्रूज़ कंट्रोल भी है। सो हेड्स अप डिस्प्ले बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे। इसके ऊपर जो स्पीड लिखी आती है, और इस गाड़ी में मैप भी इंस्टॉल्ड है, तो इधर मैप डायरेक्शंस भी आती है। अगर आप कोई डेस्टिनेशन सेट करें तो उसकी नेविगेशन यहाँ पे शो होती है। सो फोर व्हील ड्राइव इसमें अवेलेबल है, दिस इज़ द ऑप्शन फॉर फोर व्हील ड्राइव एंड दिस इज़ द ऑप्शन फॉर हीटेड सीट। तो यहाँ से आप बटन दबाएं हाई या लो करें तो आपकी सीट गर्म हो जाएगी, आपको हीट मिलेगी। सर्दियों में बहुत अच्छा है ये फीचर, और कुछ गाड़ियों में ठंडा करने का भी होता है ऑप्शन, बट यहाँ इस गाड़ी में नहीं है। बट जो भी फीचर, ये अच्छा है काफ़ी। दिस इज़ फॉर पार्किंग ब्रेक, जैसे हैंड ब्रेक होती थी अब फुट ब्रेक होती थी, अब ये बटन से स्टार्ट हो गया सिलसिला पार्किंग ब्रेक का। ऑटो होल्ड फीचर बहुत अच्छा है, ऑटो होल्ड अगर आप लगा लें तो आपने जस्ट अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा के ज़ीरो पे करना है और छोड़ देना है, ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों, और गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप रहेगी इवन अगर वो ड्राइविंग मोड में है। ये फीचर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है अगर आप सिग्नल्स वगैरह में ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हो, तो आपको बार बार हैंड ब्रेक या पार्किंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो गाड़ी ऑटो होल्ड पे होगी और जब भी आप ब्रेक दबाएंगे वो गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सो स्टेयरिंग में एक क्रूज़ कंट्रोल की फ़ीचर है, कॉल फीचर भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप कॉल कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एसी इसका बहुत अच्छा है, इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, एसी बहुत ठंडा रखता है। ये सारे कंट्रोल हैं एसी के, और म्यूज़िक सिस्टम इसका जो है वो बहुत अच्छा है। और रॉकफोर्ड के इस पे जो है वो स्पीकर्स लगे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। जो स्क्रीन इसके साथ आती है, इसमें बटन्स भी अवेलेबल हैं और ये टच स्क्रीन भी है, सो आई कैन शो यू टच स्क्रीन। ये मैप इसमें इंस्टॉल्ड है मैप, लेकिन इसमें ये पुराना है, आउटडेटेड, बिकॉज 2020 मॉडल है और मैप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए ना, जैसे आप गूगल मैप पे कर सकते हो उस तरह का नहीं है, इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जिस वजह से मैप में ये गाड़ी का मैप जो है वो बहुत कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ उसमें सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोकेशन। इसलिए मैंने ये फ़ोन के लिए ले लिया, और यहाँ पे मैं फ़ोन पे नेविगेशन ऑन रखता हूँ, वो ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी रह जाता है मेरे लिए। ये कंट्रोल्स इसके हैं, इसमें रियर का वाइपर भी लगा हुआ है, बैक का अगर आप देखें, ये स्प्लिट विंडो होने के बावजूद इट्स वेरी क्लियर, आपको बैक विजिबिलिटी ठीक रहती है। बैक का
रियर वाइपर सेपरेट है इसमें और फ्रंट का सेपरेट है। ये कंपार्टमेंट एक इसका यहाँ पे मौजूद है, इसमें भी बहुत सारी स्पेस है। और ये ग्लव बॉक्स है, इसमें भी बहुत सारी स्पेस है अवेलेबल। जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट उसमें मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट जो पैसेंजर सीट है उसमें मैनुअल वाला है। ये कंट्रोल्स हैं फॉर सनरूफ, ये दो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है सनरूफ का, लेकिन कम्प्लीटली ओपन ये वाला होता है, वो जस्ट विंडो है पीछे वाले की। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं सनशेड्स में दोनों साइड पे जो है वो मिरर विद लाइट है दोनों साइड पे ही। इसमें ये शिफ्ट पैडर्स भी अवेलेबल हैं। रिवर्स कैमरा इसका बहुत क्लियर है, पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं, ब्लाइंड स्पॉट फीचर अवेलेबल है, लेन डिपार्चर फीचर अवेलेबल है। इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस्ड है और तकरीबन सारी लेटेस्ट चीज़ें इसमें अवेलेबल है, लेटेस्ट फीचर्स। अगर कुछ चीज़ की कमी है वो वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसमें, और 360 कैमरा नहीं है, और बैक सीट्स के लिए सेपरेट एसी वेंट्स नहीं है। बाकी यहाँ पे अलर्ट आ जाता है अगर आपकी गाड़ी की टायर की हवा कम है, यहाँ पे अलर्ट आ जाता है। हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहती है। सो इट्स अ वेरी गुड कार। फ्यूल ये वन टैंक, वन फुल टैंक इसका 50 लीटर्स का है, जिसमें 550 से 600 किलोमीटर के दरमियान तक ये चल जाती है, विच इज़ फाइन। अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे आप, तो ये कार जो है वो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ आप लोग लें, बिकॉज़ इसके फीचर्स काफ़ी सारे एडवांस्ड हैं, और ये जो प्राइस में मिल रही है इतनी प्राइस में दूसरी गाड़ियाँ जो है वो बहुत महंगी होती हैं। सो इसकी ड्राइव भी बहुत स्मूथ है, कार में एज सच कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी नॉइस आती है, कैबिन नॉइस है, रोड नॉइस थोड़ा सा आता है इसमें, बट वो तकरीबन हर गाड़ी में ही आपको देखने को मिलेगा। और एक साल के एक्सपीरियंस में आई एम इन्जॉइंग द ड्राइव ऑफ दिस कार, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर ट्रिप्स इंशाल्लाह विद दिस कार टूवर्ड्स अनदर कंट्री एज वेल, मे बी ओमान और सऊदी अरेबिया। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मैं 3-4 घंटे इस कार को जो है वो एक गो में चला चुका हूँ, एंड आई नेवर फेल्ट टायर्ड, बिकॉज़ इसकी हीटेड सीट का भी बहुत अच्छा फीचर एक है, और इसकी ड्राइव भी काफ़ी सारी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो इसमें आपको थकावट महसूस नहीं होती इस गाड़ी को चलाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरा रिव्यू जो है वो आपको अगर अच्छा लगे और आप ये गाड़ी लें तो ज़रूर मुझे कॉमेंट में बताएँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।